हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। आज की इस वीडियोस में हम बात करने जा रहे हैं रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। ठीक है, हालांकि इसके जो पहले हमने वीडियो बना चुके थे वहां पर हमने आपको बताया था कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि आपको यहाँ पे यूज होने वाला है। और हमने क्या क्या पढ़ा था भैया, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर क्या होता है। और जैसे ही दोनों चीज पढ़ चुके थे तो हमने देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, कनकेव मिरर केस में फोकस क्या होता है, कन्वेक्स मिरर के केस में फोकस क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन देखे थे फोकस और रेडियस के बीच में, फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में हमने क्या देखा था, रिलेशनशिप देखा था। और अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, कनकेव मिरर रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाई कनकेव मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ रूल्स है जिसे रे डायग्राम हम बनाते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की हम इमेज बनाते हैं। कनकेव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और ऑब्जेक्ट से क्या होती है, रे चारों तरफ निकलती है, रे चारों तरफ निकलती है। लेकिन जो हमको इमेज अगर बनाना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो मेनली हम क्या करते हैं, दो रे को लेते हैं और दो रे जब उससे निकलती है, मिरर से टकराती है और कहीं ना कहीं पे जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पे रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्ट करने के बाद जहां पे इंटरसेक्ट करती है वहीं पर क्या बनता है, इमेज बन जाता है उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो हम यहां पर देखने जा रहे हैं क्या कि सबसे पहले तो रूल्स पढ़ लेते हैं। अगर हमको रूल्स आ गए समझ में तो हम क्या करेंगे, इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी भी सर्टेन पोजिशन पर रखते हैं, सर्टेन पोजिशन मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, फोकस के ऊपर रखते हैं, दोनों के बीच में रखते हैं, तो इमेज कितना बड़ा बनेगा, कहां बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, सब कुछ देखना है, सब कुछ। तो पेटी पोक पैक होकर एकदम अच्छे से सुंदर एक नोट्सबुक अपने साथ रखिए ताकि जो मैं यहाँ पे नोट डाउन करा वो आप साथ साथ में क्या करते रहे, नोट्स बनाते रहे। स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करिएगा, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर सोचेंगे कि सोते समय पढ़ लेंगे तो ये कभी हो पाता पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अपने मेन लेक्चर की तरफ, जो कि है कि हमारा रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाई कनकेव मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं क्या कि सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक कनकेव मिरर, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, कनकेव मिरर कैसे ड्रॉ करते हैं। कनकेव मिरर में क्या होता है भैया, पॉलिश जो सरफेस होता है वो आउटर रीजन होता है पॉलिश। चम्मच देखे हैं, हाँ भैया चम्मच देखे हैं, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये क्या बन गया, चम्मच बन गया यहाँ पर। तो फ्रंट साइड वाला क्या होता है, कनकेव, देखिए गुफा के जैसे शेप है ना, तो जब गुफा के जैसे शेप है यहाँ पर तो इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। तो इसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट इनवर्ट सरफेस, जो रिफ्लेक्शन होगा, जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रखेंगे उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, मतलब रे ऐसे जाएंगी अंदर की तरफ, क्या हो जाएंगी, ट्रेवल हो जाएंगी, और बाहर की तरफ क्या होगा, पॉलिश होगा। उस प्रकार के मिरर को क्या बोलते हैं, उस प्रकार के मिरर को बोला जाता है कनकेव मिरर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम यहां पर लिख देते हैं क्या कि ये कैसा मिरर है भैया, ये है हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, ये क्या है, कनकेव मिरर। ठीक है, अब होता क्या है, हम सब टर्म का मतलब समझ गए यहां पर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये हमारे पास मिरर एम और एम डैश क्या है, जनरली हम जो मिरर का पार्ट होता है, जो मिरर का जो पार्ट होता है उसको हम एम और एम डैश से जनरली हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर। ठीक है, अब पोल क्या होता है, तो मिड पॉइंट, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है ये क्या होता है, पोल, जिसको हम कैपिटल पी से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर। अब क्या होता है, हम क्या कर लेते हैं भैया, एक हम यहां पर बना लेते हैं फोकस, हम क्या बना लेंगे, फोकस, और उसके पीछे उतने ही दूरी पे क्या होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए, और एक हम अगर जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से और फोकस से और पोल से पास हो रही होती है उस रे को क्या बोला जाता था, उस रे को बोला जाता था हमारा पास प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता था हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता था। ठीक है, तो पोल समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पहला रे, मतलब पहला जो रूल है वो क्या है, रूल नंबर वन, अगर हम यहां पर लिखने की कोशिश करें, रूल नंबर वन। ठीक है, तो रूल नंबर वन को लिखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक चीजें कुछ बता देता हूं। देखिए, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखूंगा तो उससे बहुत सारे क्या होंगे, रे चारों तरफ क्या होंगे, निकलेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी जगह पे रख देता हूं तो वहां से चारों तरफ बहुत सारे रे क्या होते हैं, निकलते हैं, बहुत सारे रे क्या होंगे, निकलेंगे। लेकिन याद रखिए, हमको जो इमेज बनानी है सिर्फ और सिर्फ दो रे को लेकर बनाएंगे, और दोनों रे जब ऐसे इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्शन होने के बाद जहां पे मीट करेंगी वही जगह क्या हो जाएगा, वो जगह हो जाएगा हमारा इमेज का जगह हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए सिंपल हम दो रे का ही हम क्या करेंगे, सहारा लेंगे यहां पर। फॉर एग्जाम्पल समझिए, पहला रूल ये बोलता है क्या, पहला रूल हम यहां पर देख लेते हैं। पहला रूल हमारे पास क्या होता है कि अगर हम क्या करें, अगर हम कोई भी यहां पर पैरेलल रे जा रही हो,
कोई भी पैरेलल ले जा रही हो, क्या मतलब क्या है भैया, पैरेलल ले कब जाती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर रखा रहा होता है, इन्फिनिटी पे रखा रहते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा गया होता है तो उसे जो रे निकल के आती है वो कैसी होती है, पैरेलल रे होती है। फॉर एग्जाम्पल जो सूर्य से जो रोशनी हमारे तक आ पाती है तो वो भी क्या है, बहुत दूर से सूर्य, सूरज भगवान जी क्या है बहुत दूर पर है, तो वहां से क्या हो रही है, रे आ रही है। तो रे जब आती है तो आपस में जो रे होती है क्या कैसे होती है, पैरेलल होती है। मतलब बोल देंगे क्या कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इन्फिनिटी पर हो, तो ये मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, और ये ऑब्जेक्ट ए और ये बी क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो उसे क्या होंगी, रे निकलेगी, क्या होंगी, रे निकलेगी। तो मान लेते हैं एक रे क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे क्या होगा, जाएगा। तो जब भी ये क्या है हमारा, इंसिडेंट रे है, ये क्या है भैया हमारा, इंसिडेंट रे है। तो जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ना, जब भी कोई एक इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, तो इंसिडेंट रे पैरेलल होगी, कहां पर पैरेलल होगी, जब बहुत दूर से आ रही होगी तब, ठीक है। तो कब, जब भी कभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही होती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये क्या करता है, हमेशा फोकस से पास होता है, हमेशा किससे पास होता है, फोकस से पास होता है। हमने ये बताया है क्या कि जब भी कोई एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये हमेशा फोकस से क्या होता है, पास होता है। अरे बात समझ में, तो पहला रूल हम यहां पर लिख लेते हैं क्या, और रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस After reflection, it will pass through a focus. हमेशा parallel ले कहां से पास होंगी? Focus से पास होंगी। हमेशा parallel ले कहां से पास होंगी भैया? Focus से पास होंगी। एकदम इसको गांठ बांध के दिलो दिमाग गुदे फेफड़े में एकदम इसको रिस्टोर कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सर्टेन पोजिशन पर रखेंगे तो वहां पर हम तुरंत बता पाएंगे अच्छा parallel ले आ रही है, मतलब focus से पास करवाना है हमेशा इस रे को, ठीक है। तो पहला रूल हम यहां पर लिख लेते हैं क्या, कि when a incident ray, when a इंसिडेंट रे, वेन अ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर लिख लेते हैं ठीक है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू, इट विल पास थ्रू फोकस। ये हमेशा कहां से पास होगा भैया? ये हमेशा फोकस से ही पास होगा। अगर कोई भी रे, अगर मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट यहां पर भी तो रखा गया होगा ना, तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे पैरेलल जा रही होती है, पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से टकरा जाएगा, फोकस से टकरा के हमेशा जाएगा ही जाएगा। तो एकदम गांठ बांध लीजिए भैया कि पैरेलल रे फोकस से पास होती है, पैरेलल रे फोकस से पास होती है, पैरेलल रे फोकस से पास होती है। अब हम चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल क्या बोलता है, इसको हम यहां पर क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। दूसरा रूल यहां पर क्या बोलता है, पहला रूल पहले से नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। पहला रूल तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा रूल क्या होता है, इसको हम यहां पर थोड़ा सा हटा देते हैं यहां से, ठीक है। तो हमने तो समझ लिया भैया कि जो पैरेलल रे कहां से पास होती है, पैरेलल रे हमेशा फोकस से पास होती है। व्हेन अ पैरेलल रे, व्हेन अ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। अब जो रूल नंबर दूसरा हम सीखने जाए यहां पर, रूल नंबर दूसरा, कि जब भी कोई रे कनकेव मिरर के भी बारे में बात कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर के बारे में बाद हम बाद में चल के करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम बारे में किसके बारे में बात कर रहे हैं, कनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाई, यहां पर लिख लेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाई, इमेज फॉर्म्ड बाई क्या, कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर केस में हम क्या कर रहे हैं, रूल्स पढ़ रहे हैं। अब जो हमारे पास जो दूसरा रूल होता है वो कौन सा होता है भैया, जो दूसरा जो हमारे पास रूल होता है वो क्या होता है, कि जब भी कोई एक इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ ही चली जाती है। नहीं समझ में आया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बताते हैं कि होता क्या है। तो भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कि अगर ये मिरर है ना, मिरर का क्या होता है सेंटर, मिरर का सेंटर कहीं ना कहीं यहां पर आएगा हमारे पास, तो ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो मिरर के सेंटर को ही बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या होगा, एक हमारे पास फोकस होगा, जो कि फोकस और पोल की जितनी दूरी होगी उतनी ही सेंटर से फोकस के बीच की दूरी होगी। मतलब रिलेशनशिप तो पढ़ चुके थे ना यहां पर, कि जो भैया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो ये हो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इसी को डिस्टेंस क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस बोलते हैं फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, और जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आधा होता है। जो फोकल लेंथ होता है क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा,
आधा बता ये चीज हमने पढ़ चुके थे। अब ये क्या बोला जा रहा है, इसको थोड़ा सा हम पीछे की तरफ खींच लेते हैं, ये देखो। और ये क्या हमारे पास, ये है कन्वेक्स मिरर। ये क्या है भैया, कन्वेक्स मिरर है जो कि पॉलिश किए हैं पीछे की तरफ, किससे, सिल्वर से कोटिंग करके पेंट चढ़ा देते हैं भैया, पीला या लाल पेंट चढ़ा देते हैं ताकि सिल्वर की कोटिंग क्या हो जाए, उतर ना जाए। अब जब भी कोई रे क्या हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है, तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिए, तो ये क्या है आ रही, तो ये क्या होगी, इंसिडेंट होगी ना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो ये ऐसे आ रही है, तो इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर आने वाले रे को क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। आने वाले को रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो व्हेन रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, फिर उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, ठीक है, कि जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है तो हमेशा क्या होगा, उसी पाथ को बैक ट्रेस करते हुए क्या चला जाएगा, अपने पोजीशन पर चला जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग विद द सेम पाथ। लिख दे इसको, लिख दे। पहला चीज हमने क्या पढ़ा था, व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, एंड द सेकंड रूल इज व्हाट, व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, इसको हम यहां पर लिख देते हैं, यहां पर क्या कि व्हेन एन इंसिडेंट रे ठीक है, व्हेन एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो बैक along with same path, back along same path। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई भैया, कि हमने दो रूल पढ़ लिए, जब कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से जाएगी, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास्ड होगा। और ये दो रूल को इतना हम बार बार यू ये बार बता रहे हैं इसलिए ताकि जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे क्या, डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन, हर एक पोजीशन पर डिफरेंट डिफरेंट जो इमेज फॉर्मेशन होता है ऑब्जेक्ट को रखने से, तो मेनली दो ही ये चीजें होती है, दो रे निकलती है, एक तो हम फोकस से पास करवाते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, पहला हो गया, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं वहां पर। तो इसलिए हम क्या, इसको थोड़ा सा समझाने में बड़ा वक्त यहाँ पर लगा, तो यहाँ पर तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं किसके तरफ, अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर थर्ड की तरफ। रूल नंबर थर्ड की तरफ हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं, और रूल नंबर थर्ड जो होता है वो रूल नंबर फर्स्ट के रिवर्स होता है। मतलब क्या, रूल नंबर फर्स्ट में क्या था, रूल नंबर फर्स्ट में ये था कि जब भी कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो क्या करेगा, फोकस से पास होगा। लेकिन इस बार क्या होगा कि जैसे ही कोई रे फोकस से पास होगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, फिर पैरेलल बन जाएगा। पहले केस में पैरेलल आ रही थी तो फोकस से पास हो रहा था, थर्ड वाले रूल में क्या होगा कि फोकस से पास होगी तो पैरेलल बन जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं यहां पर देखते हैं यहां पर, ठीक है। तो रूल नंबर थ्री हम यहां पर लिखने जा रहे हैं और इसको मिटा देते हैं, अपना नोट डाउन यहां पर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसको यहां से इरेज कर देते हैं, ठीक है, चलिए। तो यहां पर हम क्या करते हैं, रूल नंबर थर्ड यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। रूल नंबर थर्ड में क्या होगा, इसको भी हम यहां से इरेज कर देते हैं इतना पोर्शन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं भैया, यहाँ पे क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होता है, इसको याद रख लीजिएगा हमेशा, ये होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि अरे विच इज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ये बोला जा रहा है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही हो, तो यही हो गया फोकस ना, तो ये क्या रे इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, तो इसको बोला जाता है यहां पर क्या, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे बोला जाता है। तो जब भी कोई एक इंसिडेंट रे क्या हो फोकस से पास हो रही होती हो तो रिफ्लेक्शन होगी, ऐसा एकदम स्ट्रेट क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा एकदम स्ट्रेट क्या होगा, ऐसे टकराएगी यहां पे, और टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल बन जाएगी, किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मतलब ये क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस लाएंगे, क्या है यहाँ पर, पैरेलल हो गई। तो इसी चीज को हम लिख लेते हैं क्या, कि व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या एक बार समझिए, व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द
प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम यहां पर रूल नंबर थर्ड में लिख लेते हैं क्या, कि when an incident ray पासिंग थ्रू, ये पास हो रहा है ना, तो पासिंग थ्रू when an incident ray पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम, मतलब क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम, इट विल मतलब क्या रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं भैया, अभी तक तो एकदम मजा आ रहा है लेक्चर में, एकदम फील के साथ एकदम समझ रहे हैं, तो फिर मजा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए बढ़िया बात है, यहाँ पर इसका मतलब आप समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो रूल नंबर फोर जो कि लास्ट होता है, ठीक है, रूल नंबर फोर यहाँ पर होता है जो कि लास्ट होता है। रूल नंबर फोर में ज्यादा कुछ समझना नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम इस बार डिफरेंट कंडीशन यहाँ पर ले सके, ठीक है। तो चलिए भैया ये हमारे पास हो गया। चलिए अब रूल नंबर फोर क्या बोलता है, रूल नंबर फोर ये बोलता है कि जब भी कोई एक इंसिडेंट रे पोल पे डायरेक्ट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो जब भी कोई रे क्या हो रही है पोल पे, ऐसे क्या हो रही है, ये आ रही है ऐसे रे, और डायरेक्ट क्या हो रही है पोल पे इंसिडेंट हो रही है यहां पर, तो इसको बोला जाता है क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो जब भी कोई एक इंसिडेंट रे, ये क्या है हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे पोल पे डायरेक्ट पड़ रही है, ठीक है, तो होता क्या है कि मेकिंग सेम एंगल विद द, ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। भैया ये तो कुछ पढ़े थे हम, ये तो कुछ पढ़े थे, मतलब क्या पर पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे बात समझ में, मतलब क्या, जब प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो इंसिडेंट एंगल बनाती है उसको बोला जाता है क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट। कहीं ना कहीं ये जो मिरर होगा यहाँ पे, मिरर छोटा सा, उसके लिए तो ये सर्फेस नॉर्मल होगी ना, तो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है तो उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। द इंसिडेंट रे मेकिंग एंगल विद द नॉर्मल, और कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस इस पॉइंट के लिए, कहीं ना कहीं भैया इस मिरर के लिए, कहीं ना कहीं छोटा सा मिरर के लिए, कहीं ना कहीं ये कैसा काम कर रहा है, नॉर्मल रे की तरह, नॉर्मल की तरह काम कर रहा है। तो जब भी कोई एक इंसिडेंट रे क्या हो भैया, जब भी कोई एक इंसिडेंट रे नॉर्मल सा जो एंगल बनाते हैं उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ तो मेकिंग सेम एंगल विद द रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट बैक, तो ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। मतलब क्या समझ में नहीं है, फिर समझाते हैं। जितनी देखिए, अगर पोल पे डायरेक्ट रे ऑफ लाइट पड़ रही है, तो अगर इंसिडेंट रे जब पोल पे लाइट पड़ती है तो उतनी ही एंगल से, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये अगर 35 डिग्री विद द प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये भी 35 डिग्री विद द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। मतलब अगर इसको हम लिखना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो रूल नंबर फोर में यहां पर हम लिख ले यहां पर क्या, रूल नंबर फोर, अरे ऑफ लाइट विच इज, इसको हम यहां पर लिख ले, अरे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल और रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल रिफ्लेक्टेड बैक making same angle with the principal axis लिख देंगे, ठीक है, making same angle with the principal axis, ठीक है, यहां पर हम लिख लेंगे यहां पर क्या principal axis, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास चार रूल हमने समझ लिया, और चारों रूल क्या बता रहा है यहाँ पर, चारों रूल को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करने की कोशिश कर लेते हैं। तो पहला रूल हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होती है, फोकस से पास होती है। दूसरा जो हमने रूल पढ़ा था कि जब भी कोई एक इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होती है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो रे में क्या हो जाती है, चली जाती है। तीसरा हमने ये पढ़ा था कि भैया जब भी कोई एक इंसिडेंट रे कहां से पास हो रही होती है, फोकस से पास हो रही होती है, तो वो क्या होता है,
बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। और चौथा हमने ये पढ़ा था भैया, चौथा क्या, कि द रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट एट द पोल रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग एंगल सेम विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर पोल पर कोई भी इंसिडेंट रे जा रही है तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये जो चारों हमने क्या पढ़ा था, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाई कनकेव मिरर, हमने यहां पर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाई कनकेव मिरर हमने यहां तक पढ़ा था। तो यहां पर तो रूल अगर जब समझ में आ गया तो फिर क्या करेंगे हम अगले मतलब आगे ही बढ़ेंगे यहां पर, क्या कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर रखते हैं तो इमेज कैसे कैसे बनता है हमको यहाँ पर देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया, इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए और फिर आप उठिए और पानी पीने चले जाइए, ठीक है। तो चलिए भैया, तब तक पानी पिएंगे तब तक मैं क्या करूंगा, इसको हम साफ कर दूंगा और फिर हम बात करेंगे, क्या हम बात करेंगे भैया, क्या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म बाई कनकेव मिरर, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाई कनकेव मिरर, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, तब तक आप जाइए पानी पीजिए, फिर बैठिए और फिर लेक्चर को कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और वो फिर हम करते हैं स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। चलिए स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं किसके तरफ भैया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ टेबल बना दिए यहाँ पर, और टेबल बनाने का मतलब मकसद यही था कि इस टेबल से हर बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हर बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस टेबल से पूछा ही जाता है, और इस चीज को हम बहुत पेशेंस के साथ बहुत आराम से हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को, ये क्या है हमारा भाई, देखा जाए तो पोजिशन ऑफ, इसको बोला जाता है यहाँ पर क्या, ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पर, चलिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है भैया, ये है हमारे पास पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की क्या है, पोजिशन होती है, मतलब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट इंफिनिटी पर, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, फिर फोकस पर रखेंगे, फिर पोल और फोकस के बीच में हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे और देखेंगे कि इमेज बड़ा बना है कि छोटा बना है, वर्चुअल बना है कि इरेक्ट बना है, ठीक है। फिर समझेंगे छोटा बड़ा बना है कि सामने बना है मिरर के या फिर पीछे बना है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे जो हमारा पहला केस क्या होगा, सबसे पहला केस अब जो कहां पर रखना है, एट इन्फिनिटी पर रखना है, एट इन्फिनिटी पर रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कनकेव मिरर यहाँ पर बना लेंगे। कनकेव मिरर में क्या होता है भैया, पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ होती है और रिफ्लेक्शन जो होता है अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारे पास क्या, ये बन जाता है हमारा कनकेव मिरर, ये क्या बन जाता है हमारे पास, कनकेव मिरर बन गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखने की कोशिश करेंगे, तो समझिए ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट पोल हो गया, ये हो जाता है हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास फोकस, ये हो गया हमारे पास क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहां पर हम ऑब्जेक्ट को जो रखने वाले हैं कहां पर रखने वाले हैं, इन्फिनिटी पे रखने वाले हैं। हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखने वाले हैं, इन्फिनिटी पे रखने वाले हैं, मतलब बहुत ही दूर ऑब्जेक्ट को रखे यहाँ पर, मतलब हमारे पास एक मिरर है और मिरर से बहुत कई सौ किलोमीटर क्या किए अगर ऑब्जेक्ट को रखे हम, तो वहां पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा जब हम यहाँ पर कनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट करवाएंगे। तो अब एक बात समझिए क्या होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखते हैं, तो वहां से जो रे निकलती है वो हर एक डायरेक्शन में रे निकलती है, लेकिन इमेज बनाने के लिए, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो रे को क्या करेंगे, हम लेंगे मदद और दोनों रे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करवाएंगे, मतलब पहले तो इंसिडेंट रे आएगी, फिर मिरर से क्या होगी, टकराएगी, और टकराने के बाद दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगी, क्योंकि जब तक इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तब तक इमेज आपका बनेगा नहीं, मतलब क्या हुआ भैया कि इंटरसेक्ट तो करेगी ही करेगी, और जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे बन जाएगा उस ऑब्जेक्ट की इमेज, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगा। अरे ये बात समझ में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं भैया, हम बनाते हैं जल्दी से इमेज, ठीक है। अब एक बात समझिए, यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट ए और बी यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ए और बी, आई होप दिख रहा होगा एक बार थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक ए और बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ये ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पर है, कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर है।
तो जो इन्फिनिटी जो कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, तो जो दूर से जो हमारे पास रे आती है वो पैरेलल आती है, जो सूर्य की रोशनी से, क्योंकि सूरज भगवान जी हमारे पास, हमारे यहाँ से बहुत दूर है, तो वहां से जो रे निकल के आती है वो पैरेलल रे आती है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि ये क्या गई भाई, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगी, रे निकलेगी, तो ए से भी रे निकलेगा, ठीक है, और हम बहुत सारे रे निकलेंगे, लेकिन हमको बनाने के लिए, इंटरसेप्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इमेज बनाने के लिए इंटरसेप्ट करवाना पड़ेगा, और दो रे इंटरसेप्ट कर जाएंगी तो वहां पर इमेज बन जाएगा, मतलब दो ही बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल, उसमें हौच पोच नहीं करेंगे कि सही रे बना दिया उसी में उसी में उसी में, हालांकि दो रे बनाएंगे तो उससे भी आपको पता चल पाएगा, ठीक है, सब कुछ पता चल पाएगा, नेचर कैसा है, वर्चुअल बड़ा बना कि छोटा बनाए, सब कुछ पता चल जाएगा। तो अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए भी है, तो ए से क्या होगी, एक पैरेलल रे आएगी, ये क्या होगा, पैरेलल रे आएगी, ये क्या होगा भैया, इंसिडेंट रे हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, पैरेलल रे आई, मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो रे पैरेलल आएंगी, जब पैरेलल रे आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये क्या है भैया, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल, ये कहीं ना कहीं जो रे है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट, रूल याद करिए, रूल याद करिए, इसलिए रूल को हमने ध्यान से बताया था आपको कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट बिकम, व्हेन अ रे ऑफ लाइट When incident ray become parallel to the principal axis after reflection, यहाँ पर reflection हुआ, it will pass through the focus, ये क्या होगा भैया, focus से pass हो जाएगा, याद करिए, याद करिए, याद हुआ, याद हुआ, चलिए भैया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर तो हमने एक रे भी बनाई है, एक रे हमको और बनाना पड़ेगा जब हमको इमेज फॉर्मेशन करना पड़ेगा तब, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर भैया, अब ये जो हमारे पास बना है इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर ए डैश, ठीक है, अच्छा, अब बी से भी रे निकलेगी और इन्फिनिटी पर है तो क्या बनेगी, कैसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, गुड, पास थ्रू द फोकस, ये क्या होगा भैया, फोकस से ऐसे पास हो जाएंगी, ऐसे फोकस से पास हो जाएंगी। तो देखिए एक चीज क्या कि दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे, जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करेंगी वहीं पर हमारा इमेज बनेगा, ध्यान रखिए। तो यहां पर क्या है, देखिए यहां पे क्या हुआ कि दोनों रे क्या हो गई, यहां पर दोनों रे क्या हो गई, इसको मिटा देते हैं, यहां पर दोनों रे मीट कर गई और जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नहीं, जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है वहां पे इस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो देखिए इमेज ऑब्जेक्ट था बड़ा, इमेज बन गया एकदम इतू सा, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं क्या कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर होता है तो जो साइज ऑफ इमेज, यहां पर लिख देते हैं यहां पर क्या, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, तो इमेज का साइज कैसा हो भैया, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा है, देखिए कितू सा बना है, इतू सा बना है इमेज, ठीक है, और वो बहुत छोटा है, तो उसको बोला जाता है क्या, हाईली डिमिनिश्ड, क्या बोला जाता है उसके लिए टर्म, हाईली, हाईली डिमिनिश्ड बोला जाता है, क्या बोला जाता है भैया, हाईली डिमिनिश्ड बोला जाता है, और इसी को बोला जाता है क्या, पॉइंट साइज, देखिए एकदम पॉइंट साइज के इतना है कि नहीं, बिल्कुल एक पॉइंट के जैसा इमेज बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा साइज हो गया इमेज का, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बहुत छोटा बना है तो कहां पे बना है, इमेज कौन सी जगह पे बनी है, तो उसको लिख लेते हैं क्या कि पोजिशन ऑफ इमेज, यहां पर लिख देते हैं यहां पर क्या, पोजिशन ऑफ, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन कहां पे भैया, कहां पे इमेज बना है, तो एट फोकस पे बना है, कहां पे बना है भैया, एट फोकस पे बना है, फोकस पे बना है, ठीक है भैया, एट फोकस पे बना है, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज होगी। अगर हम बात करें नेचर, कैसा नेचर का बना है यहां पर, नेचर, नेचर, नेचर मतलब क्या भैया, रियल और वर्चुअल बना है, क्या बना है, ठीक है, हमने यहां पर देखना है, ठीक है, नेचर मतलब इमेज, याद रखिए इमेज, अगर इमेज अगर शीशे के पीछे बनता है भैया, शीशे के पीछे कैसे बनेगा, शीशा तो बहुत पतला होता है, तो हालांकि क्या होता है, शीशे के पीछे जो इमेज बनता है वो क्या होता है, उसको हम वर्चुअल रे बोलते हैं, जो कि इमेजिनरी रे होता है, जो कि हमको दिखाई नहीं देगा वो, ठीक है, क्योंकि वो शीशे के पीछे बन रहा है, आधी बात समझ में, तो उसको हम कैसे डॉट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, मतलब वर्चुअल जो रे होंगी उनको क्या करेंगे, डॉटेड से दिखाएंगे, और वर्चुअल रे कहां पे होंगे भैया, तो हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे बनेगा, हमेशा मिरर के पीछे वर्चुअल रे बनेंगी, लेकिन रियल जो इमेज, रियल जो रे होंगी, रियल इमेज से क्या बनेगा, मिरर के सामने बनेगा, तो जितने भी मिरर के सामने इमेज बनते हैं उसको बोला जाता है यहां पर रियल इमेज, वास्तविक जो हमको चीज दिखाई देती है, जब आप सिनेमा में जाते होंगे पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेकर, तो आपको मूवी थिएटर पर दिखाई जाती है कुछ बड़ी एलसीडी में मूवी, तो वो जो आप एक्ट्रेस और एक्ट्रेस को देख पाते हैं वो बनता है रियल इमेज, वो बन पाता है रियल इमेज। लेकिन जैसे ही क्या हो, आप स्कूल के लिए बहुत जल्दी जल्दी हो, लेकिन कंघी लेकर ऐसा ऐसा कर रहे हैं शीशे में,
तो वो क्या होता है भैया, जो अपना मिरर में, जो प्लेन मिरर में देखते होंगे शीशा अपना, तो वो जो मिरर में आप देखते हैं प्लेन मिरर में, तो उसमें जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है। देखते होंगे क्या कि अगर हम ऐसे ऐसे मिरर के सामने ऐसे 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 आएंगे तो क्या होगा, हम भी जाएंगे तो मिरर, जो मिरर में इमेज बन रहा है वो भी पास आ जाएगा। मतलब जो मिरर के पीछे बना है ना इमेज, वो भी जितना दूरी पर होगा हम भी उतने दूरी पर होंगे। मतलब बोल सकते हैं क्या कि मिरर के पीछे भी इमेज बनता है, तभी तो जैसे जैसे आगे आते आते ऐसे ऐसे आगे आगे आते रहेंगे और वैसे वैसे वो भी आता रहेगा आगे आगे। ठीक है, चलते हैं, समझ में आ गया। तो इसमें मतलब मिरर के पीछे बना है, मिरर के आगे बना है इमेज, साफ साफ दिखाई दे रहा है भैया, मिरर के आगे बना है। जब भी कोई इमेज मिरर के आगे बनता है तो उसको बोला जाता है क्या, रियल इमेज बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, उसको बोला जाता है यहाँ पर क्या, रियल इमेज। और जब भी रियल इमेज बने ना, जब भी रियल इमेज बने तो उसके साथ में कैसा इमेज दिखता है, तो रियल के साथ हमेशा क्या दिखता है, इन्वर्टेड दिखता है। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब क्या भैया, उल्टा नहीं रे भाई, इन्वर्टेड मतलब उल्टा नहीं होता है। इन्वर्टेड मतलब क्या कि लेटरल इन्वर्जन तो कंसेप्ट पता होगा, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर शीशे में खड़ा हो जाऊं और अगर मैं अपना शीशे में अगर लेफ्ट हैंड उठाता हूं तो दिखेगा राइट हैंड, राइट हैंड उठाऊंगा तो दिखेगा क्या, लेफ्ट हैंड। अरे बात समझ में, तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है क्या कि उल्टा, अगर शीशे में देख रहे तो मुड़ी हमारा नीचे हो गया, पैर हमारा ऊपर हो गया, नहीं। अरे बात समझ में, ठीक है। तो इसमें नेचर जो इमेज बनेगा रियल और इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब क्या, लेटरल इन्वर्जन। आप हाथ दाएं उठाएंगे तो बाएं बनता हुआ नजर आएगा, जब बाएं उठाएंगे तो दाएं बनता हुआ नजर आएगा। भैया जब कंघी छोटे थे तो कंघी करते थे ऐसे ऐसे, अब कंघी में क्या करते थे कि मैं ऐसे क्या करते थे बीच में ऐसे ऐसे करके झाड़ते थे और यहाँ पर क्या करते थे, एक लाइन बनाते थे, मतलब बोलते थे मांग बनाते थे वहां पर, और उसमें क्या होता था बार को झाड़ते थे। तो हमने तो भाई सही झाड़ रहे थे, हमेशा बाएं तरफ बाएं तरफ बाएं तरफ, लेकिन वो शीशे में किधर किधर दिखेगा आपको, दाएं तरफ दिखेगा वहां पर। तो इसी को कंसेप्ट बोला जाता है क्या, लेटरल इन्वर्जन। और इसी को बोला जाता है क्या, इन्वर्टेड बन गया भैया, इन्वर्टेड 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 इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए याद रहेगा जिंदगी भर के लिए। अगर हम क्या करें, दूसरे के पास है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से चल के चल के चल के चल के कहां पर रख दिए, इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे रख दिए, कहां पर रख दिए भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे रख दिए, तो वहां पर कैसा कैसा क्या क्या बनता है उसको हम यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, इस चीज को इरेज कर देते हैं, क्योंकि यही है इस, हम क्या करेंगे, देखिए हम बोर्ड बना रहे हैं और आपको क्या करना है, बढ़िया से स्केल लेके, बढ़िया से स्केल लेके, ये नहीं कि टेढ़े मेढ़े ऐसा ही खास दिए, ठीक है, नहीं, बढ़िया से इमेज बनाने हैं आपको। ठीक है, चलिए दूसरा जो हम कहां पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक कनकेव मिरर हो गया। कनकेव मिरर क्या होता है भैया, कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका पॉली सरफेस बाहर हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस अंदर हो यहाँ पर। फिर एक रे, एक पैरेलल एक रे होती है जो कि पोल यहाँ पर होता है, पोल, और ये होता है हमारे पास फोकस, ये होता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ये चीज है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अरे बात समझ में। अब हम कहां पे ऑब्जेक्ट को रखें भैया, हमको ऑब्जेक्ट को रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या रख दिए, मान लीजिए यहां पर हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर रख दिया, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, मान लेते हैं ये ए और बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए और बी क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है। अरे बात समझ में, ए और बी क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। अब एक बात समझिए, तो ये ऑब्जेक्ट को हमने रखा, तो ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारे निकल रहे हैं, लेकिन हमको इमेज बनाने के लिए कितने रे चाहिए, दो रे काफी होती है इमेज बनाने के लिए, क्योंकि दो रे जहां पे डिटेक्ट करेंगी, जहां पे कट करेंगी, जहां पे मिलेंगी, वहां पे क्या बनेगा आपका, इमेज बनेगा यहां पर। तो भाइयों यहां पर देखिए, ए से एक पैरेलल रे जा रही होगी, और पता ही है कि व्हेन एन इंसिडेंट रे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। तो ये किससे पास होगा भैया, फोकस से पास होगा, हमेशा ही हमेशा। तो एक रे तो हमने बना दिया, ऑब्जेक्ट से एक रे निकल रही है, और वो रे मान लेते हैं यहां पर ये रे निकल कर ऐसे जा रही है। दूसरा रे क्या होगा, दूसरा रे को अगर हम, दूसरा रे फोकस से भी जा रही होगी, यहां से भी जा रही होगी, हर एक जगह से जा रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इमेज बनाने के लिए दो रे काफी होती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक बार ऑब्जेक्ट को कहां से पास करवा दे रहे हैं, क्या सेंटर पर पास कराएंगे, नहीं भाई, बहुत जगह है, यहां से पास करवाई, यहां से भी, यहां से भी। तो अगर मैं यहां से पास करवाऊंगा, फोकस से पास करवाता हूं, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद बिल्कुल सीधा होगा, मेरा भले ही टेढ़ा हो जा रहा है लेकिन आपका एकदम सीधा होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां पे, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये क्या होगा, इधर ऐसा चला जाएगा। तो जब भी कोई दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मीट करती है, जहां पे कट करती है, वहां पे आपका इमेज बनता है। देखिए भैया कट कहां पे कर रही है, तो कट यहां पे कर रही है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक इंसिडेंट रे था हमारा, ये था, देखिए ध्यान से, ये इंसिडेंट रे था और ये क्या था, रिफ्लेक्टेड रे था, तो एक रिफ्लेक्टेड रे इधर की तरफ आया, ये एक क्या था, ये एक इंसिडेंट रे था, और ये क्या था हमारा, एक रिफ्लेक्टेड रे था। तो जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे कट करती है वहां पे बनता है इमेज, और ये इमेज कैसे बनेगा भैया,
तो ये इमेज कुछ ऐसे बनेगा, मतलब क्या ये बी डैश मान लेते हैं और ए डैश मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक बात समझिए, यहां पर एक बात समझिए, क्या है एक बात समझिए कि यहां पर जो इमेज बना है, यहां पर जो इमेज बना है वो देखिए पोजीशन कहां पे है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज कहीं ना कहीं बन रहा है, इमेज कहीं ना कहीं यहां पे बन रहा है। अरे बात समझ में। और यहां पर अगर आप ध्यान से अगर बढ़िया से बनाते, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर बोर्ड बना रहा हूं ना, तो बोर्ड पे थोड़ा सा इधर उधर रेडियोग्राम हो जाएंगे यहां पर, ठीक। लेकिन अगर हम यहां पर बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर पे इमेज बनाऊंगा तो जो इमेज बनेगी थोड़ा सा इसे छोटा बनेगा, थोड़ा सा इसे छोटा बनेगा। अरे बात समझ में, क्योंकि अगर ये एक सीधा ड्रा करते तो ये क्या होता, छोटा बनता यहां पर, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं यहां पर क्या, जो साइज ऑफ इमेज है इससे थोड़ा सा छोटा, ये ऑब्जेक्ट अगर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का है तो ये 4 सेंटीमीटर का बना होगा। अरे बात समझ में। तो यहां पर लिख सकते हैं यहां पर क्या कि डिमिनिश्ड इमेज बना, डिमिनिश्ड मतलब क्या छोटा बना, स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर डिमिनिश्ड का वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर लिख सकते हैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अरे बात समझ में, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आप देखेंगे मतलब जब आप सीधा सीधा बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये रे अगर ओरिजिनल बनाए तो ये रे अगर यहाँ पर टेढ़ा मेरा रे हो गया इसलिए थोड़ा यहाँ पे बन रहा है। अगर मैं क्या करूँ बिल्कुल ऐसे सीधा ऐसे रे खींचूं और ऐसे पास करवाऊं तो देखिए अब आपका इमेज कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पर अब आपका जो इमेज एक्चुअली में कट कर रहा है यहाँ पर कट कर रहा है। तो अब ये जो बड़ा था बड़ा है ना भाई, और ये क्या थोड़ा छोटा है, ठीक है, ये क्या है थोड़ा सा छोटा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो इमेज जो बना है हमको थोड़ा सा छोटा बना है ऑब्जेक्ट से। चलिए बहुत बढ़िया, कहाँ पे इमेज बना है भैया, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है इमेज। तो लिखेंगे क्या हम बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, कहां पे भैया, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है। नेचर कैसा है, मिरर के सामने ही इमेज बनेगा, और जब भी मिरर के सामने इमेज बनता है तो वो कैसा होता है भैया, जब भी कोई मिरर के सामने इमेज बनता है तो वो होता है क्या, रियल इमेज होता है। वो क्या होता है भैया, रियल इमेज होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहां पे रखेंगे हम अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। चलिए यहां पर देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहां पे बनता है, बड़ा बनेगा छोटा बनेगा रियल बनेगा वर्चुअल बनेगा सब हमको देखना है। तो कॉनकेव मिरर बनाना है भैया, कॉनकेव मिरर में क्या होता है पॉलिश बाहर की तरफ होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस अंदर की तरफ होता है। ये हो गया हमारे पास पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसी को बोलते हैं क्या प्रिंसिपल एक्सिस। हम बार बार टर्म को इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपके एकदम दिलो दिमाग गुदे फेफड़े एकदम बैठ जाए, एकदम पूरी की पूरी एकदम हर एक चीज बैठ जाए, ताकि रटने की कोशिश नहीं करेंगे, रटेंगे भैया तो भूल जाएंगे, रटेंगे तो भूल जाएंगे, याद करेंगे तो वो जिंदगी भर के लर्न मतलब क्या समझ के याद करेंगे तो जिंदगी भर के लिए वो चीज याद हो जाती है। अब यहां पर समझिए क्या, यहां पर समझिए एक बात क्या कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऐसे रख देते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं ए और बी क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो रे एक जाएगी ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल रे कहां से पास होती है हमेशा फोकस से पास होती है, पैरेलल रे कहां से पास होती है फोकस से पास होती है, गुड। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हो गया भैया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। अब एक बात समझिए यहां पर कि दूसरा रे अगर मान लेते हैं फोकस से पास करवा दे, फोकस से ऐसे पास करवा दे फोकस से, ठीक है, कहीं नहीं सीधा बन रहा है ये फोकस से पास करवा दे, तो क्या होगा जब भी कोई एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है, रूल नंबर थर्ड याद करिए, जब भी कोई रूल नंबर थर्ड याद करिए, ठीक है, कि वेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, होता है कि नहीं होता है, होता है भैया, रूल हमको बखूबी याद है यहां पर, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या था रिफ्लेक्टेड रे, और जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करते हैं मिलती है आपस में उनका मिलन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है भैया, वो हो जाता है यहां पर इमेज बन गया। तो इसका इमेज कहां पे बन गया, यहां पे बन गया, ठीक है। तो पहले पोजीशन कहां पे बना, इस बार भी देखा जाए तो पोजीशन कहां पे बना, जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहीं पे बन रहा है। तो लिख देंगे क्या कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे होती है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है, एट कहां पे होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है। और अगर बात करी जाए साइज कितना बड़ा है, तो जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट बनता है उतनी ही बड़ी इमेज भी बनता है। तो लिख लेंगे क्या कि सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी। अगर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर को, 5 सेंटीमीटर लेंथ को मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लेंथ को अगर हम क्या करें कनकेव मिरर के सामने रख देते हैं कहां पे, सेंटर कर्वेचर पर, तो जो इमेज बनेगा कनकेव मिरर में,
कैसा बनेगा, 5 सेंटीमीटर भी बनेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा भैया, ये इन्वर्टेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया, और मिरर के सामने बन रहा है, तो जो भी मिरर, जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के सामने बनता है, दैट इज कॉल्ड, वो इमेज क्या कहलाता है, वो इमेज कहलाता है रियल इमेज। और रियल इमेज के साथ हमेशा क्या बनेगा भैया, रियल इमेज के साथ हमेशा याद रखिए कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, यहां पर भी लिख लीजिए इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पर हम रखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये अगर हो गया हमारे पास पोल, ये हो गया हमारे पास फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं, बीच में एकदम, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए और बी ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया। तो एक रे क्या होगा, पार्लर रे जाएगा, जो कि फोकस से पास हो जाएगा, दूसरा रे क्या होगा, फोकस से जाएगा, और क्या हो जाएगा, पार्लर टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। दोनों रे कहां पे मीट कर रही है, दोनों रे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मीट कर रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा भैया, इमेज का हो जाएगा बी डैश और ए डैश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर समझिए कि इस बार कहां पे बन रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो इस बार जो बन रहा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है ना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है, तो पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि पोजिशन ऑफ इमेज क्या है भैया, यहाँ पर बियॉन्ड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी से हम लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और जो यहाँ पर इमेज इतू सा है लेकिन ऑब्जेक्ट बड़ा बन गया, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, जिसको बोला जाता है क्या कि लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लार्जर देन, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर इमेज मिरर के सामने ही बन रहा है ना, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड, क्या हो जाएगा भैया, रियल एंड इनवर्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझ में आ रही है आपको, एक पैटर्न समझ में आ रहा है, एक पैटर्न, पैटर्न मतलब क्या कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूरी से ला रहे हैं ना, दूर दूर से ला रहे हैं ना, वैसे वैसे इमेज आपका दूर चला जा रहा है, ध्यान समझिए। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो फोकस पे बना था, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर जब हम इसके पीछे रखे थे तो कुछ यहां पे बना था, फिर जब हम इसके बीच में रख दिए तो थोड़ा सा इधर बन गया, मतलब ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं तो इमेज पीछे बन रहा है, ऑब्जेक्ट को ऐसे आगे लाएंगे तो इमेज किधर की तरह बनेगा, पीछे की तरह बनेगा, आली बात समझ में ना, तो ये याद रखिएगा, और पेपर में बहुत काम वाली आती है, काम मतलब आती है, ठीक है ना। चलिए भैया अब क्या करेंगे, इसको लिख लिया भैया, अब हमको जो पांचवा, ये कौन सा है, 1 2 3 4 पांचवा पर हमको ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है, फोकस में रखना है, पांचवे में कहां पर रखना है भैया, फोकस में रखना है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, अब तो आपको बनाने आ गया ना कि पॉली सरफेस बाहर की तरफ होगा, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास फोकस, उतनी दूरी पर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब ऑब्जेक्ट को कहां पर रख देंगे, फोकस पे रख देंगे, अगर हम क्या कर दें, ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दें, फोकस पे रख दें, तो वहां से क्या होगा, बहुत सारे रे जाएंगी, ऑब्जेक्ट जब हम फोकस पे रखेंगे तो होगा क्या भैया कि बहुत सारे रे जाएंगी, बहुत सारे क्या होगा, रे जाएगा, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा, लेकिन इमेज बनाने के लिए कितना चाहिए रे, दो ही चाहिए, इमेज बनाने के लिए कितना रे चाहिए, दो रे चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पार्लर रे तो भेज देते हैं पार्लर, और किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस की जो पार्लर रे होती है वो फोकस से पास होती है, तो ये क्या हो गया, फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो रे हम लेते हैं यहाँ पर क्या कर लेंगे, दूसरा जो रे हम ले लेंगे, दूसरा रे जो हम ले लेंगे भैया वो क्या होगा, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा रे को कहीं से पास करवा दीजिए, मतलब क्या भैया, दूसरा रे, एक रे तो यहां से भी जा रही होगी, पोल से भी रे जाती होगी, पोल से भी क्या होती है, रे जाती है यहाँ पर, अगर जरूरी नहीं है कि हमेशा हम इसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रे बनाएंगे, ठीक है, हम पोल से भी बना सकते हैं। अगर दूसरा रे अगर मान लेते हैं ऐसे पोल पर जा रही होती है तो होता क्या है, होता क्या है, ये क्या होगी, ऐसे क्या होगी, चली जाएगी, और ये कभी भी दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में कभी मीट ही नहीं करेंगी, कभी भी मीट नहीं करेंगी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, वो तो मीट कहां पे करेंगी भैया, वो कहां पे मीट करेंगी, तो वो जाके मीट करेंगी, बोल देंगे क्या कि हमको दिख नहीं रहा है, मतलब इन्फिनिटी पे जाके मीट करती है, आने बात समझ में। तो बहुत बुक में क्या होता है कि यहां से भी तो रे जाती होंगी ना, यहां से भी ऐसे रे जाती है, और ऐसे रे जाती है, फिर टकरा के कहां से पास होती है, तो टकरा के भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाती है। देखिए सब क्या है, पैरेलल रे है ना, सभी क्या है, पैरेलल रे है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने तीन रे से बता दिया, लेकिन हमको इमेज बनाने के लिए कितना रे चाहिए, दो ही रे चाहिए। तो या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दीजिए, फोकस से पास करवा दीजिए, या तो एक पोल से पास करवा दीजिए, ठीक है। तीनों रे आपस में क्या, पैरेलल है, तो इमेज जो बनेगा
जब भी कहां पे बनेगा और इन्फिनिटी पे बन जाएगा, पैरेलल कहीं पे कट करेंगी, कहीं पे मीट नहीं करेगा, जहां पे मीट नहीं करेगा तो इमेज कहां पे बनेगा। तो हम बोल देंगे क्या कि भैया जो जो यहां पर पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बना, तो एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी पर जाके बनता है इमेज। कहां पे बनता है भैया, एट इन्फिनिटी पे जाके बनता है। आ रही बात समझ में? और साइज जो होता है इमेज का, जो इमेज का जो साइज होता है वो क्या होता है, इमेज जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, हाईली बड़ा, बड़ा बनेगा ना भाई, इन्फिनिटी पे जाके बनेगा तो क्या बोला जाएगा, हाईली लार्ज, हाईली लार्ज। और सामने बन रहा है तो इसको भी क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या भैया, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या बात बारे में बात करेंगे, अब हम क्या रखेंगे, लास्ट जो केस होता है जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, बिटवीन पोल एंड फोकस, एंड दिस वन इज द मोस्ट एंड मोस्ट एग्जामिनेशन, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन आर आस्क फ्रॉम दिस पोजीशन व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। सो व्हाट हैपन, व्हाट इज द नेचर ऑफ साइज, वेयर इज द पोजीशन ऑफ साइज, एंड व्हाट इज द साइज ऑफ एन इमेज। ठीक है, तो ये सब चीज हम यहाँ पर निकालते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें, तो इसको शुरू से बनाएंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ पे भैया, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमने एक मिरर बना लिया और इस बार की तरफ होता है, तो वो कैसा होता है, वो होता है कनकेव। कैसा होता है, कनकेव मिरर होता है। ठीक है, अभी तो हम कनकेव मिरर का ही केस पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होता है, कनकेव मिरर होता है। और ये क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारे पास पोल, ये हो गया हमारे पास फोकस, और ये क्या हो गया हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस मतलब ये ए और बी क्या हो गया, बिटवीन पोल और फोकस में रखेंगे तो होगा क्या, समझने की कोशिश यहां पर करेंगे। ठीक है, होगा क्या, समझने की कोशिश यहां पर करेंगे। ठीक है, तो पहला रे क्या होगा, ऐसे पैरेलल रे जाएगी, और क्या किधर से पास होगा, फोकस से ऐसे पास हो जाएगा। तो ये क्या बन गई भैया, ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या बन गई, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये क्या बन गई, रिफ्लेक्टेड रे। और जो दूसरा जो रे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अगर बैकट्रैक करें यहां पर, अगर बैकट्रैक करें तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर चला जाएगा। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर रखा गया है। ठीक है, हम बोर्ड पर बना रहे हैं तो थोड़ा सा क्या हो रहा है, बोर्ड पर बना रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर रे हो रही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां से ऑब्जेक्ट से रे गई, फिर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होकर इधर की तरफ चली गई। क्यों, क्योंकि भाई हमको पता होता है कि जैसे ही इधर से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। और देखिए, ये रे इधर की तरफ जा रहा है और ये रे क्या हो रहा है, ये रे इधर की तरफ और ये रे ऐसे जा रहा है, ये रे सीधे जा रहा है, ये रे ऐसे जा रहा है, तो क्या कभी आपस में मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं, कभी मिलेंगी ही नहीं, इन्फिनिटी पर भी नहीं मिलेंगी। क्यों, क्योंकि ये रे तो इधर जा रहा है ना, इधर आ रहा है, और ये रे इधर जा रहा है ऊपर, तो दो ऐसे रे क्या होंगी, दो ऐसे रे जाएंगी 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 इधर की तरफ, फैल जाएंगी बहुत ज्यादा, तो कभी इमेज बनेगा नहीं। तो फिर वो तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं मिरर में दिखेगा ना, तो वो क्या होता है, जो दिखता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं वर्चुअल रे की मदद लेते हैं कहीं ना कहीं, तो इमेज बनाने के लिए इंटरसेप्ट करवाएंगे ही करवाएंगे, और इमेज हमको मिलेगा ही मिलेगा। अरे बात समझ में? तो जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करती है तो वहां पे इमेज बनता है, तो यहां पर तो दोनों रिफ्लेक्टेड कहां पे मीट करेंगे ही नहीं, तो क्या इमेज बनेगा, इमेज बनेगा, लेकिन वो जो इमेज बनेगा वो क्या होता है, वर्चुअल रे की मदद लेंगे। हम क्या करेंगे, रे को बैकट्रैक करेंगे, रे को क्या करेंगे, बैकट्रैक, पीछे की तरफ क्या करेंगे, बैकट्रैक करेंगे, तो देखेंगे क्या कहां पे मीट कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमने क्या कर दिया, बैकट्रैक किया, बैकट्रैक कर दिया, और यहां पर क्या हो गया, मान लेते हैं यहां पर हमको मिल गया। ठीक है, कट कर दिया, ठीक है, यहां पर कट कर दिया। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं एट सी, इधर की तरफ लिख देते हैं एट सी। ठीक है, तो पीछे की तरफ कट किया, तो ये दो क्या कर दिए हमने, वर्चुअल रे होती है, इमेजिनरी रे होती है, ये शीशे के पीछे, क्योंकि शीशा पतला होता है, क्या शीशे के पीछे बनेगा, नहीं भाई नहीं। वो क्या होता है, ये जो क्या होगा, ये ए और बी, ये क्या होता है, कहीं ना कहीं तो कट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, उसको पीछे की तरफ लेकर जाते हैं और देखते हैं कि यहां पे कट कर गया, मतलब ये कहीं ना कहीं वर्चुअल रे के, दो वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रे के कारण हमको ऑब्जेक्ट इमेज देखने को मिल रहा है, और इस प्रकार की इमेज को बोलते हैं क्या, वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये काल्पनिक है, ये क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या यहां पर, कि वर्चुअल बना है भैया, वर्चुअल बना है, वर्चुअल बना है। और जब भी वर्चुअल बनता है, हमेशा जब भी वर्चुअल इमेज बनता है, तो ये देखिए अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखेंगे तो वैसा ही बनेगा, वैसा ही बनेगा, सीधा एकदम बनेगा। मतलब क्या, जब भी कोई वर्चुअल इमेज बनता है, जब भी कोई इमेज मिरर के पीछे बनता है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल बनता है, तो वो क्या होता है, इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। अच्छा,
अब जो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बना भैया, तो पोजीशन ऑफ इमेज जो बना है वो शीशे के पीछे बना है ना, तो क्या लिखेंगे बिहाइंड मिरर, क्या लिखेंगे बिहाइंड मिरर, मिरर के क्या है पीछे बना हुआ है तो इसको लिख देंगे बिहाइंड द मिरर। और जो साइज है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कहीं ना कहीं इमेज का साइज क्या है बड़ा है, तो यहां पर लिखेंगे क्या कि लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा क्या था, इसको हमको समझ के पढ़ना है, याद नहीं करना है। बहुत सारे लड़के इसको याद कर लेते हैं, नहीं भाई याद नहीं करना है, समझ के करना है, और हर एक चीज को समझ के करना है। मेरा मुद्दा यही होता है कि मैं क्या करूं, मैं हर एक टॉपिक्स को, चाहे क्लास 9th की हो, चाहे क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, मैं हर एक टॉपिक को आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, बहुत सारी बुक्स में से वो निचोड़ निकाल के आपके सामने लाता हूँ, ताकि आपको सरल से सरल भाषा में मैं समझा सकूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा देख लेते हैं कितने मिनट का वीडियो बन गया है, अगर मान लेते हैं घंटे से अंदर अंदर बना होगा, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हैं, तो करूंगा मैं क्या, नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा, नेक्स्ट पार्ट में बना देते हैं, बना दूंगा क्या कि यूज क्या होगा इस कन्वेक्स मिरर का। ठीक है, यूज क्या होगा कन्वेक्स मिरर का, लेकिन एक बार देख लेता हूं। ठीक है, चलिए, तो 54 मिनट का वीडियो तो बन चुका है, 54 मिनट का वीडियो बन चुका है, बस थोड़ा सा अगर मैं क्या करूं, बस थोड़ा सा, बस 5 मिनट ले लेता हूं, और क्योंकि अब उसके लिए अलग से मैं वीडियो क्यों बनाऊं। ठीक है, तो इसी में हम मजे कर देंगे, तो पूरा हमारा कनकेव मिरर का पूरा केस ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में अच्छे से आ गई होगी, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम इरेज करने से पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और हाँ, नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि मैं ये चीजें यहाँ पे बना बना के मिटका दे रहा हूँ, तो आप एक ही इमेज का सब है कि नहीं, नहीं सब नहीं है एक ही इमेज का, वो अलग अलग हमने बनाया है, तो अलग अलग आप लोग भी क्या करिएगा बनाइएगा। चलिए, तो इसको हम इरेज करते हैं। स्टूडेंट, हम समझते हैं कुछ यूज के बारे में कि आखिर में कहां कहां पे कनकेव मिरर का यूज होता है, बिकॉज यूज से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूज को भी हमको समझना आना चाहिए कि आखिर हम पढ़ रहे हैं तो उसका फायदा कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे चीज हम यूज कर पाते हैं कनकेव मिरर का। जैसे प्लेन मिरर का तो यूज हम कर पाते हैं भैया, शीशे में यूज हम कर पाते हैं, लेकिन कनकेव मिरर का हम यूज कहाँ पे करेंगे उसको हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला चीज का, कनकेव मिरर आर यूज एज सेविंग मिरर और सेविंग मिरर या फिर मेकअप मिरर में हम यूज करते हैं। जब हम लोग सेविंग करते हैं, और लड़कियां लोग जब अपना मेकअप करती हैं, तो वहां पे जो मिरर यूज किया जाता है, वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे जो हमारा मिरर यूज किया जाता है, वहां पर कनकेव मिरर यूज किया जाता है। अब बात बताइए क्या कि कनकेव मिरर में यूज करना होगा तो हम कहां पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, तो हमेशा हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। मतलब अगर मैं खड़ा हूं कनकेव मिरर के सामने, तो मैं कहां पे खड़ा होगा, बिल्कुल मिरर के सामने खड़ा होगा। तो होता क्या है कि वहां पर जो हमको ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो क्या होती है, याद करिए पहले ही हमने पीछे जो हमने केस में पढ़ चुका है, वहां पर हमने ये पढ़ चुका है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं पोलर फोकस के बीच में रखते हैं, मतलब नियर द फोकस रखते हैं, तो वहां पर वर्चुअल इमेज बनता है और लार्जर इमेज बनता है। मतलब अगर हमको अपना बड़ा मुंडी देखना है शीशे में, अब मेकअप करते समय भी कभी कभी जरूरत होती है कि वो चीज बड़ा होकर दिखे और बिल्कुल सीधा दिखे, ये नहीं कि मुंडी ऊपर है तो नीचे हो जाए। सभी केस में क्या होता है ऊपर का नीचे दिखाई देता है, मुंडी ऊपर नीचे दिखाई देने लगता है, तो वहां पर हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन एक केस होता है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को पोलर फोकस के बीच में रखते हैं, तो वहां पर इमेज वर्चुअल बनता है, सीधा बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो जहां पर सीधा बनेगा वहीं पर तो हम काम ले पाएंगे मिरर का। अरे बात समझ में, तो वहां पर क्या होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे मैं खड़ा हो जब मिरर के सामने, तो वो मेरा मतलब ये जो मेरा मुंह है वो क्या कर देगा, बड़ा बना देगा। तो भाई वो काम भी होता है बड़ा बनाना, क्योंकि हमको बढ़िया से क्या होगा दिखेगा वो सब चीजें। ठीक है, चलिए, तो बस बात समझ में आ गया कि जो कनकेव मिरर यूज होता है कहाँ पे, सेविंग मिरर में यूज होता है और मेकअप मिरर में यूज होता है। मतलब कहाँ पे रखते होंगे भैया, तो हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते होंगे, फोकस में रखते होंगे, क्योंकि फोकस पर रखेंगे, फोकस के नजदीक रखेंगे, पोलर फोकस के बीच में रखेंगे, तो वो इमेज बड़ा बनेगा, लार्ज बनेगा और वर्चुअल बनेगा, मतलब इरेक्ट बनेगा। चलिए, दूसरा जो यूज होता है कहां पे, कनकेव मिरर यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्च। रिफ्लेक्टर इन टॉर्च का मतलब क्या होता है भाई, रिफ्लेक्टर इन टॉर्च का मतलब, टॉर्च को यहां बने, रिफ्लेक्टर इन टॉर्च का मतलब क्या होता है, जो टॉर्च देखते हैं ऐसे ना, तो वो क्या होता है, जो टॉर्च जो होती है, जो बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है, वो क्या करती है, टॉर्च को फोकस पे रख के और उसके बगल में कुछ कनकेव शेप का, साइड में देखिएगा यहां पे अगर टॉर्च जल रहा होता है तो पीछे क्या होता है एक कनकेव सरफेस होती है। तो जब भी क्या होगी, जब भी क्या होगा, फोकस से, फोकस पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, कोई भी बल्ब जब जलेगा तो फोकस से क्या होती है भैया, जब रे टकराएगी रिफ्लेक्टर से तो पैरल बन जाएगी, पैरल बन जाएगी और वो हमको दूरी तक दिखाई देती है, लाइट जाती है। तो आरी बात समझ में, आरी बात समझ में, मतलब क्या होता है कि जो टॉर्च की जो बल्ब होती है वहां से लाइट जलता है और लाइट की रे
उस रिफ्लेक्टर से टकराती है जो कि कनकेव शेप का होता है, फिर क्या बन जाता है वो पैरेलल बन जाती है, क्योंकि फोकस से लाइट निकलते ही पैरेलल बन जाती है रिफ्लेक्शन होने के बाद। अरे बात समझ में, वो क्या होता है पैरेलल जाएंगी तो बहुत दूर तक रह जाता है और हम आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, ये होता है कहां पे भैया, कनकेव मिरर में यूज करते हैं, रिफ्लेक्टर इन टॉर्च में यूज करते हैं। ठीक, अच्छा तीसरा जो हमको समझना है, कनकेव डिशेस आर यूज्ड इन टीवी डिश एंटीनाज। इसका मतलब क्या भैया, जो हमारे एंटीनाज होते हैं, जो हमारे डिश होता है ना ऊपर जब जाएंगे, छतरी जब लगी होती है डिश, उसमें एक माइक ऐसे क्या होता है लगा होता है, देखते होंगे, तो वो जो शेप का होता है वो कैसा कुछ शेप का होता है, कुछ ऐसे शेप होता है और यहाँ पे क्या होता है एक माइक को लगा दिया जाता है। ठीक है, एक माइक को क्या किया जाता है यहाँ पे लगा दिया जाता है ऐसे। ठीक है, माइक को ऐसे लगा दिया जाता है। ठीक है, ड्राइविंग तो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, और ये माइक को ऐसे लगा दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो शेप है देखिए डिश का कैसा शेप है भैया, ये शेप है कनकेव मिरर का शेप है। अब वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो सिग्नल आती है बहुत दूर से, बहुत दूर से जब भी सिग्नल आएगी, जब भी रे आएगी तो वो क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी। तो होती क्या है कि यहां से भी जो रे आई पैरेलल रे ऐसे भी आई, ऐसे भी आई आई, और जैसे ये डिश कैसा शेप का है, कनकेव का शेप का है, तो क्या हो जाएगा पैरेलल रे कहां पे हो जाती है, फोकस पे मिलती है भैया, फोकस से फोकस में, मतलब ये जो रिसीवर लगाए होते हैं वो सभी के सभी सिग्नल को क्या कर पाता है, सभी के सभी सिग्नल जो कि पैरेलल रे आ रही होती है, पैरेलल सिग्नल आ रही होती है, वो क्या करता है कि जगह पे फोकस कर देता है, और फोकस कर देगा तो उसको सभी के सभी सिग्नल को कैच कर पाती है जो हमारी माइक होती है, जो एलएनबी बोलते हैं। ठीक है, एलएनबी फ्रीक्वेंसी, और वो हमको आसानी से घरों तक हमको हर एक इमेज को साफ साफ पहुंचा देता है। ठीक है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे भैया, वहां पर हम ये बोलेंगे कि यहां पर हम कहां यूज कर रहे हैं, डिश एंटीना में भी यूज करते हैं जब ये डिश ऐसा लगा दे, तो अगर डिश ऐसा लगा देंगे तो वो काम ही नहीं करेगा, सारा का सारा रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ चला जाएगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं। चलिए, तो हमको जो लास्ट समझना क्या है, कनकेव मिरर आर यूज इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू द फोकस, कनकेव मिरर आर यूज इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन रे फॉर हीटिंग सोलर फर्नेस, फॉर हीटिंग सोलर फर्नेस। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये यूज कहां पे होता है, देखिए क्या होता है, अगर हमको स्टील को पिघलाना है, क्या पॉसिबल है कि सूरज की रोशनी से एक बहुत बड़ा बड़ा लोहा स्टील पिघल जाए, तो बोलेंगे कि ये मुमकिन ही नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है। हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सोलर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक बहुत बड़ा सोलर, वो कैसा शेप का होता है, वो कनकेव के शेप का होता है। ठीक है, कनकेव के शेप का होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पर जो रे क्या होता है, जो रे आ रही होती है पैरेलल, क्योंकि सन से रे कैसे आती है, पैरेलल रे आती है ना, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, एक जगह पे क्या होगा फोकस से पास होगा भैया, ये क्या होगा ऐसे आएंगी और एक जगह पे क्या हो जाएगा मीट करेंगी, कोई क्योंकि जो भी कोई पैरेलल रे आती है रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है, फोकस से पास होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे रे आएगी और ये फिर ऐसे पास हो जाएगा। अगर हम उस मेटल को मान लेते हैं स्टील है, यहाँ पर स्टील को जब हम रख देंगे यहाँ पे ना, तो कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद ये गर्म हो जाएगा, गर्म होकर पिघल जाएगा, उसको बोला जाता है क्या, फर्नेस, फर्नेस मतलब क्या, भट्ठा, मतलब चाहे तो यहाँ पर हम स्टील को भी पिघला सकते हैं। बात देखिए, क्या ऐसे धूप से आप कागज जला देते हैं, नहीं जला पाते हैं, अगर धूप में जाइए अपने बुक को लेकर, अपने बैग को लेकर, तो क्या वो जल जाता है, नहीं जल पाते। लेकिन हम क्या करें, अगर एक कनकेव मिरर ले लें यहाँ पर और थोड़ी देर क्या करें उसके ऊपर फोकस कर दे, कागज के ऊपर देखते कागज से धुआं उड़ जाता है और वो आग लगा देती है, बहुत बड़ी बड़ी चीज है। तो ये काम करता है कौन सा भैया, कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर काम क्या होता है कि रे को क्या करना, कन्वर्ज कर देना, रे को क्या करना, फोकस में कन्वर्ज कर देना, सभी जो रे आती है सभी रे को एक जगह पे कन्वर्ज कर देना। तो ये काम किसका होता है, कनकेव मिरर काम होता है। कनकेव मिरर हमेशा क्या करती है भैया, कनकेव मिरर हमेशा कन्वर्ज करती है रे को। ठीक है, तो कनकेव मिरर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया कनकेव मिरर के बारे में यहां पर। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या कर देते हैं, सब कुछ तो हमने पढ़ लिया, तो हम करते हैं भैया आगे की तरफ, हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में, और वहां पर भी बात करेंगे रूल्स फॉर ड्रॉइंग इमेज, रूल्स फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम इन कन्वेक्स मिरर बात करेंगे, रूल्स फॉर ड्रॉइंग इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर बात करेंगे, फिर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर बात करेंगे, फिर यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर बारे में बात करेंगे, और वहां पर हमारा ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग भी नोट्स बना के बढ़िया से आप जा सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।